नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं राजद के प्रखर वक्ता रमेश यादव जी। रमेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनावी चर्चा में। आपसे पहला सबसे बड़ा सवाल के अधीन रमेश जी के सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि जिस हिसाब से तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, राजद में काफी आक्रोश है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए सरकार जनता के दोहन करने में लगी। एक भी फैसला जब से मोदी जी बने हैं, एक भी जनहित का फैसला इनका नहीं है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे डीजल पेट्रोल का है, 20 दिन से लगातार नित्य दिन जो है डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। ये कैसी सरकार है? ये जनता को पूरा निचोड़ने में लगी है। जनता त्राही माम है। क्या लगता है, एक सबसे अहम बात यह है, राजद में जहां तक फूट की बात आ रही है, कहां तक लगता है कि ये सही है और सही हो रहा है कि भाई राजद के लोग जो है उसमें भी अपने पार्टी को लेकर आक्रोश है? नहीं, राजद में कोई फूट उठ नहीं है। राजद के फोड़ने के लिए कारपोरेट सरकार थैली लेके बैठा हुआ, लेकिन कोई उससे कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी, मुख्यमंत्री भाग गए, विधानसभा अध्यक्ष भाग गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग गए और 20 से 22 एमएलए पार्टी छोड़ करके चले गए थे। उस समय नीतीश कुमार लालू जी के पैर पकड़कर रो रहे थे। वो बुरे दिन में लालू जी नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर के मान बचाए और पुनः स्थापित करने का काम किए। रामविलास पासवान, जिनका राजनीति बिल्कुल समाप्त हो रहा था, राज्यसभा में भेज करके उनकी राजनीति जिंदा किए। क्या नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ऐसे कोई बिहार का लीडर है जो लालू जी को बुरे समय में मदद किया हो? ये लोग सिर्फ जो है अपने लिए राजनीति करते हैं, देश और जनता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है राजद के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद जी जाने जाते हैं, लेकिन रघुवंश जी ने अपने पद से जो इस्तीफा दिया उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। रघुवंश बाबू हम लोग के गार्जियन है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। उनका सिर्फ पीड़ा है रामा सिंह जो वैशाली से उनके साथ चुनाव लड़ते थे, वो राष्ट्रीय जनता दल में 29 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं, जो मीडिया के माध्यम से खबर भी आप भी देखे होंगे, उसके चलते उनकी नाराजगी है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और नेता विपक्ष तेजस्वी जी ने साफ कर दिए हैं कि रामा सिंह के आने से पार्टी अगर मजबूत होगी, वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा, तो रघुवंश बाबू को भी उसका लाभ मिलेगा। और रघुवंश बाबू बिल्कुल चुप हैं और कहीं जाने वाले नहीं। रमेश यादव जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने मदद किया था, तो ये बात जब कह रहे हैं तो आप ये भी कह दीजिए ना कि 5 एमएलसी चले गए हैं, राजद टूट रही है। देखिए, 5 एमएलसी ये तो चुनावी वर्ष में आना जाना लगा रहता है। वोट सामाजिक न्याय का है, वोट जो है कि राष्ट्रीय जनता दल का है। 2-4 इधर उधर प्रायोजित तरीके से छटकाने से और जाने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे और हमको राष्ट्रीय जनता दल को जनता का सहानुभूति और सिंपैथी प्राप्त हो रहा है। ये जो लोग सवाल कर रहे हैं मीडिया के पैनल पर, लोग को बैठा करके नीतीश कुमार और सुशील मोदी ये चर्चा करवा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल टूट गया, तो राष्ट्रीय जनता दल से पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भी 3-4 एमएलसी को तोड़े थे, और उसके साथ कैसे सुशील मोदी बैठे हुए हैं, ये आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप सवाल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोदी जी रघुवंश जी को फोन कर रहे हैं, क्या लगता है इसको लेके आपके? अपनी चरित्र को उजागर कर रहे हैं। मोदी जी जब से आए हैं यही सब काम कर रहे हैं, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। अब बताइए ना कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो है कि नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि इनका डीएनए खराब है, और फिर जो है राता राती
नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार चुनाव जीते और राता राती जो है बीजेपी के साथ जो है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जो है नीतीश कुमार को लेकर के सरकार बना लिए। तो यह अनैतिक है, इस तरह के अनैतिक कार्य करने वाले ये जनता में गलत मैसेज दे रहे हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये गरीब जनता को जो है कि उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। जिस दिन गरीब जनता उग्र हो जाएगा तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्या इसी के लिए जो है कि यही लोकतंत्र है कि राता राती जो है कि इधर से उधर तोड़ फोड़ करके हम सरकार बना ले। बड़े लोगों की आचरण जो है एक आदर्श होता है और उस आचरण का जो है कि अनुकरण आम जनता करता है। तो बड़े पद पे बैठ करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ करके जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जनता को आज न कल जवाब देना होगा। जनता इनको जो है बिहार विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। सबक कैसे सिखाएगी? रमेश जी, एनडीए साफ कर चुकी है कि जब भी चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार होंगे, लेकिन महागठबंधन में अभी कौन चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, यही स्पष्ट नहीं है। तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है महागठबंधन के, मांझी जी खुलकर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मांझी जी गार्जियन है, उनके बारे में हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मांझी जी जहां से आए हैं, जिस एनडीए से निकल करके आए, उनको वहां से निकलने का क्या प्रयोजन था? क्यों पार्टी जो है कि क्यों जो है कि जदयू छोड़े थे और आज फिर क्यों जो है कि वहीं जाना चाहते हैं? तो जनता सवाल करेगी, जनता पूछेगी। हमारे यहां आए थे, हम उनको जो है कि इसलिए सम्मान दिया कि चूंकि उनको जो है लोगों ने अपमान किया था। तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का एक ही जो है कि उद्देश्य है कि गरीबों को सम्मान दो। गरीबों का जो नेतृत्व करता है, जिसको जो है पिछड़ी दलित जाति के लोग जो कहीं से अपमानित हो रहा है, उसको सम्मान पहुंचाना था। नीतीश जी को जो है अति मांझी जी को जो है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू जी ने सम्मान दिया था, अब इनको पुनः जो है वहां जाना है, तो जिस अपमान सह करके यहाँ आए थे उसको जनता में जवाब देने पड़ेगी। कहाँ जनता जवाब मांगती है सर? मुख्यमंत्री भी आए थे, नीतीश कुमार आए, महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते, मुख्यमंत्री फिर से बन गए, उसके बाद फिर टूट गए और एनडीए से सरकार बन गई, लोकसभा चुनाव हुआ, आरजेडी का तो बुरा हाल हो गया सर, एक भी सीट नहीं बचा पाए। देख लीजिए, बात समझिए, दुनिया में इतिहास इतिहास उसी को जो है कि लिखा जाता है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चले। अनैतिक तरीके से सत्ता सुख पाने वाले लोग इतिहास पुरुष नहीं होंगे। जो अनैतिक तरीके से कोई कुर्सी पाते हैं वो वफादार नहीं गद्दार कहलाते हैं। ये गद्दारों के श्रेणी में जो है कि लोग हो रहे हैं। बिहार में बहुत मुख्यमंत्री बना, लेकिन कोई मुख्यमंत्री इतिहास पुरुष नहीं है। हमारे जगदेव प्रसाद बहुत दिन तक राजनीतिक के जो है कि पद पे नहीं रहे, लेकिन आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद है। मुख्यमंत्री 30-35 बने हैं बिहार में, लेकिन किन्हीं को जो है कि जनता जानती नहीं है। ये लोग गद्दार जो है कि कहलाएंगे, जो रातों राती सत्ता का हस्तांतरण करते हैं अपने शुभ के लिए, अपने सुख के लिए अनैतिक तरीके से गठबंधन करते हैं, इनको जनता आज न कल सबक सिखाएगी। रमेश जी, अब बिहार में चुनावी मौसम आ गया है और यूं समझा जाए कि जहानाबाद में भी मखदुमपुर है, घोसी है और आपका ये जो तीनों विधानसभा क्षेत्र, इसके अलावा पूरे बिहार में ऐसे जहानाबाद में एक लंबी लिस्ट है आपको तीनों विधानसभा क्षेत्र से विधायकों की टिकट लेने की, तो क्या ऐसा पूरे बिहार में है? देखिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा, हर व्यक्ति अगर किसी चीज में लगा है, अगर कोई पुलिस की भर्ती दौड़ रहा है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है। राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग काम कर रहे हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है और वो भी चाहते हैं कि हम भी पद पाए, हम भी जो है कि विधानसभा में, हम भी विधान परिषद में, हम भी जो है कि लोकसभा में जाएं। हमारे नेता
आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, यही काम किए हैं, बराबर गरीबों को सम्मान दिए, वर्कर में से उठा करके विधान परिषद विधानसभा में भेजने का काम किया है। जहानाबाद और बिहार में एक नई परिवर्तन होने वाला है और फिर इस बार नए नए चेहरा, नए नए लोग राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधानसभा में दिखेंगे। उसमें चाहे जहानाबाद हो, कुर्था हो, बिहार के किसी भी कोने में हो, नए चेहरे को तरजीह मिला है, लालू जी सम्मान दिए हैं और इस विधानसभा में निश्चित सम्मान मिलेगा। रमेश यादव जी, आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि राजद और लालू प्रसाद यादव नेता सबसे ज्यादा बनाए हैं। अगर अभी देखा जाए बिहार के सबसे ज्यादा नेता तो वो आरजेडी के ही हैं, चाहे किसी भी दल में अभी हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जहानाबाद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में नए उम्मीदवार होंगे, फिर से नेता बनेंगे लोग, आप भी इस रेस में है क्या? देखिए, नेता का सिलेक्शन करना, विधानसभा का उम्मीदवार बनाना, जो राष्ट्रीय जनता दल का, जो संसदीय बोर्ड, जो पार्टी हाई कमान का निर्देश होगा, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, वो सर्वमान होगा, उन्हीं को तय करना है। लेकिन महत्वाकांक्षा है और हम समझते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ये महत्वाकांक्षा को जरूर कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। एक चीज रमेश जी, राजद और लालू प्रसाद का बहुत चर्चा में रहता है, कहते हैं लोग कि जो दोबारा विधानसभा के लिए टिकट मांगने जाते हैं उन्हें लालू प्रसाद अपने अंदाज में डांटते हुए कहते हैं कि एक बार बन गया ना विधायक, अब दोबारा तो नहीं बनेगा, क्या ये सही है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सबों को सम्मान दिया है और लालू प्रसाद जी ही फैक्ट्री है। लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल से ही, चाहे जदयू में जितने भी लीडर हैं वो सब राष्ट्रीय जनता दल के जो है कि माने उत्पादन किया हुआ व्यक्ति है, और यहाँ जो है कि काम करने वाले को सम्मान में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चुनावी चर्चा में शिरकत करने के लिए रमेश यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बधाई। मिलेंगे फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ, फिर होगी खास मुलाकात। चुनाव नजदीक आएगा, चुनावी सरगर्मी तेज होगा और हम लोग भी लगातार किसी अन्य शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।